प्रदेश इंदौर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर वरुण कपूर ने खंडवा के गौरीगंज सभा कक्ष में स्कूली छात्र छात्राओं को साइबर अपराध क्या है और उससे कैसे बचा जा सकता है इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। एडीजी डॉक्टर कपूर ने विद्यार्थियों से कहा कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं यही हमारी वास्तविक दुनिया है और यह सबसे बेहतर है। जबकि हम किसी कंप्यूटर यंत्र या नेटवर्क से जुड़कर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, वे हमारे ही द्वारा बनाई गई वर्चुअल दुनिया है। वर्चुअल दुनिया में ही साइबर क्राइम पनप रहे हैं। इस साइबर क्राइम से बचने का सबसे सुरक्षित उपाय है कि हम जागरूक रहें तथा साइबर क्राइम के बारे में जानकारी रखें। उन्होंने इस दौरान सभी को सलाह दी कि बिना सोचे समझे किसी अनजान व्यक्ति को अपने बारे में मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से कोई जानकारी न दें। इसी दौरान DIG श्री MS वर्मा, कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुंदरियाल, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रकाश परिहार सहित जिले के विभिन्न पुलिस अधिकारी व मीडिया प्रतिनिधि भी मौजूद थे। एडीजी डॉक्टर कपूर ने अपने संबोधन के दौरान मौजूद विद्यार्थियों से प्रश्न भी पूछे। प्रश्नों का सही जवाब देने वाले विद्यार्थियों को एडीजी डॉक्टर वरुण कपूर ने प्रमाण पत्र व गोल्डन बेज भी प्रदान किया। खंडवा मध्य प्रदेश से अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट। उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है और जो भी जनता है, जो भी उपयोग होता है, हम भी उसमें हैं, आप भी हैं, वो बिना सोचे समझे कभी कभी उसमें गतिविधि करते हैं। ये सोच के कि इसमें कोई खतरा नहीं है, इसमें कोई डेंजर नहीं है, पर ये भी एक दुनिया है जिसकी असली दुनिया में खतरे उससे ज़्यादा शायद खतरे वर्चुअल दुनिया में दिखते नहीं। तो हमें सुरक्षा के उपाय करने पड़ेंगे, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा के उपाय लागू करने पड़ेंगे, तब जाके इस प्रकार के अपराधों में कमी आएगी और फिर लोग